Hey everybody, welcome back to my channel. So here is the part third of Poverty as a Challenge. And this is the chapter number third of class 9th, NCERT Economics. So let's begin with. We have already discussed the problems faced by the rural poor, such as landlessness, unemployment, size of families, illiteracy, malnutrition, child labor, helplessness. These are the problems which are being faced by the rural poor. Now the thing comes, then what kind of initiatives, what kind of measures government has taken to remove these problems or to remove poverty? So these are the steps taken by the government to reduce rural poverty. देखो जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारे जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, MDG एंड SDG, दोनों में काउंट होती है रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी. पॉवर्टी को रिड्यूस करना, रिमूव करना, ये हमारे गोल्स में हमेशा से रहा है. बिकॉज इंडिया वॉज अ कॉलोनियल इकॉनमी, तो उसकी वजह से पॉवर्टी एक बहुत बड़ा इशू था, जिसको काउंटर करने के लिए यू कैन से गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव स्टेप्स लिए हैं. रूरल पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए जो स्टेप्स हैं, दीज आर एज फॉलोज. फर्स्ट वन इज स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. देखो, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जिनके पास कम लैंड है, तो गवर्नमेंट ने उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ प्रोग्राम्स बनाए. मीन्स उनको कुछ एजुकेट किया जाए, सीड्स फर्टिलाइजर्स के बारे में उनको कुछ नॉलेज प्रोवाइड की जाए, सो दैट दे कैन यूटिलाइज द रिसोर्सेज इन द बेस्ट मैनर. ड्रॉट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो वाले एरियाज जहाँ पे ड्रॉट की प्रॉब्लम है, वाटर स्कैर्सिटी ज़्यादा है, पानी अवेलेबल नहीं हो पाता, तो उनका डिफरेंट रिवर्स के साथ लिंकेज बना के, डिफरेंट स्टेट्स इंटर स्टेट वाटर प्रोजेक्ट ऐसे कुछ करके गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम्स बनाए, सो दैट ड्रॉट वाली प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके. जिससे क्या होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप होगा एंड ओवरऑल पॉवर्टी रिड्यूस हो जाएगी. मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, गवर्नमेंट ने कुछ मिनिमम नीड्स प्रोग्राम बनाए. जैसे आपको पता है PDS सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लाइक फूड, तो वो हमें PDS सिस्टम के थ्रू मिल जाता है. लाइक जो पुअर पीपल हैं उनके लिए सब्सिडाइज्ड फूड अवेलेबल हो जाता है, सो दैट उनकी मिनिमम नीड्स जो फूड से रिलेटेड हैं कम से कम वो कंप्लीट हो जाएं. नेक्स्ट इज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम. गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी स्कीम्स बनाई कि जो रूरल एरियाज़ में अनएम्प्लॉयड पीपल हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी नेशनल लेवल पे. पूरे इंडिया में जितने भी रूरल एरियाज़ के पुअर हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, उनके लिए गारंटी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाएगी. एश्योरेंस ऑन एम्प्लॉयमेंट, ये भी कुछ ऐसा ही था कि अगर आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाएगी, लाइक If you are unemployed, then either you will be provided with the employment or you will be compensated. या फिर आपको unemployment allowance मिलेगा या फिर आपको compensation मिलेगा, subsidies मिलेंगी, so that किसी तरह से जो rural poor हैं उनकी help हो जाए. ये हैं steps taken by the government to reduce rural poverty.